पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पीडीएम पर साजिश रचने का आरोप लगाया, कहा जानबूझकर उन्हें सेना के सामने खड़ा किया जा रहा है। इमरान खान का शहबाज सरकार पर चुनाव ना करवाने का आरोप, कहा ये इनके लंदन प्लान का हिस्सा, पीटीआई को तोड़ो और चुनाव ना होने दो। इमरान खान ने कोर कमांडर के घर पर हुए हमले पर सवाल उठाए, कहा शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले हमारे 25 लोग शहीद हुए, एक स्वतंत्र कमीशन मामले की जांच करे, इमरान खान की मांग। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पुलिस ने हिंसा करने वाले 9 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया, कहा संदिग्ध इमरान खान के घर से भागने की कोशिश कर रहे थे। इमरान खान के घर की तलाशी के लिए टीम भेजने पंजाब प्रांत की सरकार और लाहौर कमिश्नर की मौजूदगी में सर्च ऑपरेशन, कहा सर्च ऑपरेशन से पहले इमरान से इजाजत लेंगे। इमरान खान की पार्टी पीटीआई के 7 सदस्यों ने पार्टी छोड़ी, पूर्व मंत्री मलिक अमीन असलम ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया, 9 मई को हुई हिंसा से नाराज होकर लिया फैसला। पीटीआई नेता चौधरी अबरार उल हक के घर पुलिस की रेड, पीटीआई नेता ने ट्वीट कर पुलिस की कार्रवाई की निंदा की। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने इमरान खान को दी नसीहत, कहा इमरान खान को 9 मई को हुई हिंसा की सार्वजनिक निंदा करनी चाहिए, हिंसा करने वालों पर एक्शन का भी समर्थन किया। बलूचिस्तान सरकार ने एक बार फिर से आर्थिक संकट पर नाराजगी जताई है, शहबाज सरकार को पाकिस्तान के हालात के लिए जिम्मेदार ठहराया। और पाकिस्तान में जारी उथल पुथल से बौखलाया चीन, सीपीईसी के तहत विकास परियोजनाएं लागू करने में हुई देरी पर नाराजगी जाहिर की। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, पाकिस्तान के पूर्व मंत्री और पीटीआई के नेता अली जैदी की जेल से एक तस्वीर सामने आ गई है, और इस तस्वीर में वो जेल में जमीन पर बैठे नजर आ रहे हैं। अली जैदी को पाकिस्तान की सिंध पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो पाकिस्तान में प्रधानमंत्रियों के इस्तीफे और तख्ता पलट का इतिहास बहुत पुराना रहा है। दरअसल पाकिस्तान में अब तक के 7 ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो वक्त से पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं, और इसीलिए भी आज एक बार फिर इस तरह के हालात जब बन रहे हैं तो इस पर इतिहास पर चर्चा हो रही है। और सिर्फ इस्तीफा नहीं, बर्खास्त भी, आपको बताएं 5 का ये आंकड़ा रहा है, 5 प्रधानमंत्रियों को सत्ता से बर्खास्त भी कर दिया गया था। 7 ने इस्तीफा दे दिया, 5 को बर्खास्त किए गए और 4 का तो तख्ता ही पलट दिया गया। और इसके अलावा देखिए जो आंकड़ा है वो आपको बताएं, 2 ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिसको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हटाने का आदेश दे दिया गया था। ये पाकिस्तान का इतिहास रहा है, किस तरह का वहां घटनाक्रम होता रहा, लेकिन एक प्रधानमंत्री की तो हत्या ही कर दी गई थी। यानी जब प्रधानमंत्री अपने पद पर है किस तरह से वो हट जाते हैं या फिर हटा दिया जाता है, एक लंबा इतिहास पाकिस्तान का कुछ इस तरह से रहा है। और वही आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कभी सत्ता से हटा दिया गया, कभी बर्खास्त कर दिया गया। देशों के कूटनीतिक दौरे पर रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जापान में दौरे का पहला चरण हिरोशिमा में G7 देशों के